हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पंजाबी कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बहुत टेस्टी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें खट्टी लस्सी चाहिए, बेसन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन चाहिए। अब हम इस लस्सी में बेसन डालेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। मैं हैंड ब्लेंडर से इसे फेंट रही हूँ, आप इसे हाथ से भी फेंट सकते हो। प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को चॉप कर लेंगे। देखिए, हमने सब सब्जियाँ चॉप कर ली हैं। अब हम किसी बर्तन में 2 बड़े चम्मच तेल लेंगे, इसे अच्छे से गर्म करेंगे। इसमें 2 से 3 तेज पत्ता ऐड करेंगे। अब हम इसमें मेथी दाना ऐड करेंगे और इसे हल्का सा भूनेंगे। अब हम अपना पिसा हुआ सारा मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और धनिया पाउडर डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। देखिए, हमारा मसाला जो है अब भून चुका है। अब हम इसके अंदर बेसन और लस्सी का जो घोल हमने बनाया था उसको ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। हम कढ़ी में एक बॉईल आने देंगे। जब इसमें बॉईल आएगा तो हम गैस को स्लो कर देंगे और इसे 1/2 घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारी कढ़ी तैयार हो रही है, तब तक हम इसके पकोड़े तैयार कर लेते हैं। उसमें बेसन, प्याज और हरी मिर्च बारीक कटे हुए, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और अजवाइन चाहिए। अब हम बेसन में नमक, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सब डाल के इसको अच्छे से मिलाएंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसका हमें एक हल्का गाढ़ा सा घोल तैयार करना है। हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं रखना है। हम इसमें अपने कटे हुए प्याज और हरी मिर्च ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इनको फ्राई करेंगे, तेल को गर्म करेंगे और इसके अंदर ये प्याज के पकौड़े बनने के लिए डाल देंगे। हम इसमें प्याज के पकोड़े डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसमें पालक के पकोड़े भी बना के डाल सकते हो। पालक के पकोड़े भी कढ़ी में बहुत अच्छे लगते हैं, आप उसे भी बना सकते हो। अब हम इनको एक बार पलट देंगे। हमें पकोड़े को ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, इसको थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है क्योंकि हमने इनको कढ़ी के अंदर डालना है। तो ये देखिए, हमारे पकोड़े जो हैं वो बन के तैयार हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें बाकी बचे हुए पकोड़ों को भी बना लेना है। देखिए, हमारे पकोड़े बनके तैयार हो चुके हैं और हमारी कढ़ी को भी 1/2 घंटा हो चुका है पकते हुए। अब हम कढ़ी का तड़का तैयार करेंगे। एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल लेंगे, उसमें सूखी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, धनिया, साबुत धनिया उसके बीज ऐड करेंगे, हम जीरा ऐड करेंगे, सरसों, काली सरसों ऐड करेंगे, राई ऐड करेंगे, हींग डालेंगे और इसे अच्छे से मिला के इसे कढ़ी में डाल देंगे। देखिए, हमारी कढ़ी का बहुत ही सुंदर कलर आया है। इस तरह से हमारी कढ़ी जो है वो बन जाएगी। अब हम इसमें पकोड़े ऐड डाल देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर हरा धनिया और गरम मसाला भी डाल देंगे। और हमने कुछ प्याज को डीप फ्राई किया था, उनको भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम अपनी कढ़ी को सर्व करेंगे। इसके ऊपर हम फिर थोड़ा सा धनिया डालेंगे और अपने फ्राई किए हुए प्याज डाल देंगे। और हमारी कढ़ी जो है अब खाने के लिए तैयार है। बहुत ही सुंदर लग रही है। तो फ्रेंड्स, खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी है। आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपने रिव्यूज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरा यूट्यूब चैनल किट्टी की रसोई। थैंक यू फ्रेंड्स।